बेटा ये तुम लोग सीखना चाहते हो ना, ये ऑली ऑयल है, ये क्या है? चालू हो गया। ये प्रॉन बिरयानी है। सेफ क्या बना रहे हो सेफ? प्रॉन बिरयानी। सेफ प्रॉन बिरयानी में सेफ क्या क्या आएगा सेफ? इसमें सब खड़े मसाले जाएंगे। इसको बोल रहे हैं खड़े मसाले की बिरयानी, प्रॉन्स खड़े मसाले की बिरयानी। ये हमने डाल दिया, इसमें थोड़ा काली मिर्च ज्यादा जाती है। ठीक है सर। सेब ये इसका कलर कैसा है? बिरयानी व्हाइट कलर है, जाफरान और वो सब डालेंगे। ठीक है सर। ये बिरयानी जो है लोग 50 किस्म की बिरयानी बनाते हैं, मगर जो ओरिजिनल तरीका है उसका बनाने का शाम हो जाएगी तुझे। ये अदरक लहसुन पेस्ट है। ठीक है सर। निकालो रे, निकालो सर, ये जल्दी निकालो। सब रेस्टोरेंट से सर डिफरेंस बिरयानी है सर पे? हाँ बिरयानी बिल्कुल डिफरेंट है। चलो इसमें निकालो बाल में। ये जिंजर गार्लिक पेस्ट है। ये हमारा नींबू है, जो इसका स्किन का छिलका फ्लेवर है ना, वो इसमें आना बहुत जरूरी होता है। ठीक है सर। क्योंकि ये थोड़ा सा मैं पानी डाल रहा हूँ। हाँ सर। इसका मसाले का फ्लेवर थोड़ा स्लो कर देता हूँ, बहुत तेज था। सर जो सीसा ग्रुप के जो भी बिरयानी सबसे हटके है सर ये बिरयानी? हाँ बिल्कुल हटके, बिल्कुल हटके। हम जो भी चीज बनाते हैं वो हमारे मेनू में आ जाता है। ये नमक डाल रहा हूँ मैं, ये वाइट पेपर डाल रहा हूँ, ये थोड़ा ग्रीन चिल्ली में बटा, ये चिल्ली फ्लेक्स डाला हमने। हाँ हाँ। और ये इलायची पाउडर है। ठीक है सर। ये जो टर्की सिस्टम में जो बिरयानी बन रहे थे तो ये किसको कितना टाइम लगेगा बनाने के लिए? सर थोड़ा सा पानी है, ये अभी आधे घंटे में सब रेडी हो जाएगा। थोड़ा किलो जिंजर गार्लिक पेस्ट और पड़ेगा, थोड़ा दही ला बेटा। जैसे सर की सीसा ग्रुप के जितने भी हैं हमारे जो असिस्टेंट है उनको सीखने के लिए सर पूरा सिस्टम कैसा मालूम पड़ेगा सर? सीसा ग्रुप का जो है जब से बॉम्बे में महाराष्ट्र में सीसा ग्रुप आया है, जब से महाराष्ट्र में खाना लगता है कि वैरायटी हुई है। मैंने जो वैरायटी दिया है यहाँ पे कोपर चुन्नी से लेके और जितने भी होटल हैं बॉम्बे के अंदर, जब वो जितने बड़े नाम रहा हो उनका, बाद में वो हमारे ही खाना जो है तो उसके डुप्लीकेट बना रहे। आपके सिस्टम चल रहा है, नाम चेंज कर दिए? हाँ नाम चेंज करके उसके गर्व काफी मार रहे। नहीं सर आपका काफी नाम सुना था। जरा ग्रीन चिल्ली दो बेटा, ग्रीन चिल्ली ले आओ जरा, काफी तो सब मारते हैं। हम निकालते हैं तो 2-3 साल के बाद लोग काफी मारना चालू कर देते हैं, साल भर में मारना चालू कर देते हैं। आज जितने भी होटल हैं, कोई भी होटल ले लो, सब हमारा खाना चल रहा है। जो भांड्रा में जो अपना सीसा ग्रुप जितना कोरला में सब खाना, थाल हमारी, प्लेटर हमारी, तुम्हारे घर में तुर्की फूड जितना सब सब। चलो अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है सर। सब नाम चेंज कर करके अब हमारे नाम से बिरयानी है, कादरशान बिरयानी। हाँ। उसका नाम कुछ और देते हैं, माल हो जाता है, मिल सब हो जाता है, मगर ये कि कोशिश कर देंगे मैं कादर भाई जैसा बना लूँ, मगर बना नहीं पाते, बहुत कोशिश करते हैं। एक 50 साल का एक्सपीरियंस, एक 10-15 साल का एक्सपीरियंस में फर्क होता है ना। हेलो, ये चम्मच इसके अंदर दही जा रही है। हाँ। दही बहुत बिरयानी के लिए बहुत जरूरी होता है, और मुरादाबादी बिरयानी में दही भी डालते हैं, टमाटर भी डालते हैं।
और अफगानी बिरयानी में भी टमाटर पड़ता है, पेशावरी बिरयानी में भी टमाटर पड़ता है। ठीक है सर, तो ये मगर जो वैरायटी चावल की है वो वैरायटी तुर्की उर्की में जो बनता है वो अलग ही है, उनका खाना ही अलग है। और उसी को जो है तो हमने वही का खाना ला के मैंने उसको इंडियन में जो है इंडियन और मुगलई में डिवाइड किया। चलो भाई नमक मिर्ची डाला मैंने उसके अंदर, कुछ खड़े मसाले हमने चेंज किया, वही सब चल रहा है। अब दही डालते हैं तो उसको बाहर हाथ रुके रुकना नहीं चाहिए, हाथ रुक जाएगा तो खत्म हो जाएगी, फट जाएगा ये दही, दही फटना नहीं चाहिए, फटना नहीं चाहिए। दही फट गया तो उसका खर्चा बना आ जाएगा, दही का टेस्ट खत्म हो जाएगा, तो वो जहर बन जाता है। जैसे सर अभी हम लोग एक किलो इसमें हमने नमक भी डाला है, मिर्चे भी डाला है, खड़े मसाले भी डाला है, नींबू भी डाला है, फिर भी ये दही फटेगी नहीं। हर चीज का तरीका होता है सर। जैसा ही प्रॉन्स बिरयानी व्हाइट में टर्की जैसा, तो इसको घर पे बनाने के लिए सिर्फ एक किलो बना सकते हैं आराम से? हाँ क्यों नहीं बना सकते, घर में आराम से बना सकते हो, क्योंकि ये जो आपका जो हमारा जो टेक्निक है, हमारा जो तरीका है, हमने ज्यादातर जो आइडिया और जो दिमाग जो खाने की रेसिपी है वो इम्तियाज कुरैशी से मैंने सीखा है। इम्तियाज कुरैशी से? हाँ, मौर्य शेरेटन बुखारा दमपोक, और बुखारा में कुछ हमारी भी डिश है, दमपोक में भी हमारी डिश है, सब जगह हमारा खाना जो है अल्लाह का करम है, हर जगह माशाल्लाह हर जगह चल रहा है, और आज से नहीं चल रहा है, 35-50 साल से चल रहा है। और हम जो चीज नई नई चीजें तो निकालता रहता हूँ, मेरी हैबिट है, आदत है, वो तो देखता हूँ यूट्यूब में आपका एक डिश आता रहता है इससे आपका। सर इसमें दूध भी जाएगा ना? हाँ जी, भैंस का दूध जाएगा। कितना लीटर जाएगा सर? आधा लीटर। ये भैंस का दूध हो गया आधा लीटर, मिल्क कोकोनट मिल्क लाओ। सर अभी इसमें अरबियन के उसमें कोकोनट मिल्क पाउडर भी जाएगा सर? मिल्क पाउडर कोकोनट पाउडर जाएगा, कोकोनट क्रीम जो गोल्डन पैकिंग में आता है। हाँ तो अभी सिर्फ बिरयानी का जो स्टॉक था ये पूरा जो इसका झोल था पूरा रेडी हो गया सर? झोल रेडी हो गया, ये झोल है, इसको हमने छाना है, सब मसाले हैं, इसके जो मसाले हैं जो खड़े मसाले हमने डाले थे वो सब फेंक दिया, अब इसको छान के इसको झोल बनाया, मैंने इसका झोल में होता है इसको नहीं आ रहे। सर इसका जो प्रॉन्स है सर कितना बड़े बड़े हैं इसका? सर प्रॉन्स अच्छे हैं, यानी कि 15 काउंट के प्रॉन्स रहते हैं। सर थोड़ा दिखा देंगे सर पब्लिक को पूरा लाइव? तो प्रॉन्स दिखाना जरा लाओ, ये प्रॉन्स है, ये साइज है प्रॉन्स का, ये प्रॉन्स का साइज है, क्योंकि हम ये साइज यूज करते हैं, 15 काउंट का यूज करते हैं। छोटे 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 बच्चे प्रॉन में एकदम नहीं, उसमें ताकत भी नहीं होती, जो छोटा प्रॉन रहता है 40 काउंट 15 काउंट का उसमें उतनी ताकत नहीं रहती, जो बड़ा प्रॉन रहता है उसके अंदर ताकत रहती है। इसको होल भी दो मुझे। सर अभी इसका जो स्टोक है जो झोल है बहुत खूबसूरत हुआ सर, व्हाइट में बहुत अच्छा है, इसका जो ग्लेस है बहुत अच्छा आया इसका सर। सर इसका जो है ना ज्यादा मसाले डालेंगे तो प्रॉन का टेस्ट खत्म हो जाएगा, जो फिश का फ्लेवर है कोई भी हो, प्रॉन हो चाहे फिश हो, उसका फ्लेवर आना चाहिए,
अगर कोई भी चीज खा रहे हो, मटन खा रहे हो तो मटन का फ्लेवर हो, चिकन खा रहे हो तो चिकन का फ्लेवर होना चाहिए। जब तक उसका फ्लेवर नहीं होगा तो आप खा क्या रहे हो? मसाले खा रहे हो, तो मसाले का फ्लेवर तो कोई भी बना के दे देगा। Yes, yeah, yes. देखने के लिए भी इसे बहुत खूबसूरत दिख रहा है, राइस भी, प्रॉन्स भी, मसाले भी एकदम मीडियम डाले हो पूरा। देखो मसाले जो है ना खाने को खराब करता है, मसाला जो है ज्यादा मसाले डाल दो तो अच्छा नहीं बनेगा और खराब हो जाए। मसाले का एक मिक्सचर होता है, अब जिस मिक्सचर में डालोगे उसी मिक्सचर में उसका फ्लेवर आएगा। ज्यादा डाल दोगे तो या कड़वा हो जाएगा या फिर उसका टेस्ट डिफरेंट हो जाएगा या फिर उसका जो तो यानी कि लज्जत ही खत्म हो जाएगा। तो ये सब चीजें हर एक चीज का डालने का एक तरीका होता है, कहाँ पे क्या चीज डालना है वो बिल्कुल मालूम होना चाहिए। हाँ ये बना रहा हूँ। और रोटी सालन भी खाने का उन लोगों को? हाँ वो तो कोकोनट मिल्क, इसमें प्रॉन्स में अगर कोकोनट मिल्क नहीं डालेंगे तो बिरयानी अच्छी नहीं बनेगी। इसके डालने से सोनापन आता है, अभी किसी को मालूम नहीं सोनापन का मतलब क्या होता है। इसको टाइम लगेगा 15 मिनट? हाँ 15-20 मिनट लगेगा। कैसा है सर पूरा सा पूरा, कैसा क्वालिटी? वेरी गुड फ्लेवर, बहुत अच्छा है। फटाफट दम करो, चावल डालो। अभी राइस डालेंगे सिर्फ, इसके बाद फिर प्रॉन्स आएगा सिर्फ, थोड़ा ब्राउन प्याज दो। ये थोड़ा फ्लेवर के लिए ब्राउन प्याज है, ये बरिस्ता है। हाँ ये बरिस्ता है, अल्हम्दुलिल्लाह एकदम हट गए, एकदम अरबियन टर्की फूड का है एकदम पूरा बिरयानी। ये राइस का जो फ्लेवर है हाथ से ला सकते हैं उसको, इतना गर्म कोई जल्दी हाथ लगाता नहीं। बहुत खूबसूरत हो रहा है पूरा, उधर लग गया नीचे। हाँ नीचे लग रहा है, स्लाइसर दो, स्लाइसर शेफ स्लाइसर ला के देना जरा। हाँ। शेफ लोग ये थोड़ा येलो चिल्ली पाउडर है, ये हमारे येलो चिल्ली पाउडर लखनऊ से आता है। ये रेड चिल्ली पाउडर डालने से और इसका से बिरयानी क्लियरिटी आता है सर, उसका कलर जो है ना थोड़ा सा येलो कलर हो जाता है। येलो चिल्ली पाउडर का आवाज और लखनवी फूड में ज्यादा यूज होता है। लखनवी फूड में? हाँ सर, नवाबी फूड में जो रॉयल फूड है, जो वर्ल्ड में जो सबसे अच्छा जो खाना है सिर्फ सब ऑलिव ऑयल हो गया सर, रेड चिल्ली पाउडर हो गया, ये सब चीज़ ऑलिव ऑयल इसलिए डालते हैं कि हेल्दी होता है थोड़ा। हाँ सर, और पहले ओरिजिनल तेल मिलता था। हाँ हाँ, अब तो सब में डुप्लीकेट है और जितने भी उससे अच्छा आदमी देसी घी खा ले। सरसों का तेल अगर ओरिजिनल मिलता है खुद का कोल्हू में निकाला हुआ तो ओरिजिनल तेल आप उसको खा सकते हो, कभी नुकसान नहीं करेगा। बाकी ये पाम ऑयल ये सब जो तो सब डुप्लीकेट है, ये स्लो पॉइजन है जितने भी ऑयल है। अब इसमें भी क्या है, ओरिजिनल थोड़े इसमें भी मिक्सिंग कर रखा है, अब क्या करें, मजबूरी है डालना पड़ता है। ऑलिव ऑयल है, नाम है ऑलिव ऑयल बस।
रख ले इधर इधर रख दो भैया, रख उसके ऊपर। हाँ बेटा सर, कैमरा चालू कर रहा हूँ, कैमरा रेडी करना है तो थोड़ा सा ये चालू बिरयानी झोल में थोड़ा सा इसको। हाँ पुदीना ले आऊं, पुदीना ले आऊं, मुझे लगा चीज पुदीना यार, पुदीना पुदीना दे, पुदीना दे बेटा। चलो दम पे मारो सर, अभी ये पूरा रेडी हो गया ना सर, पूरा सब सिस्टम में दम मारो। ला रे ला सर, अभी पूरा रेडी हो गया ना, पूरा रेडी हो गया ये अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट। ठीक है इसकी ब्राउन प्याज दे बेटा, ये ब्राउन प्याज है। हाँ सर, फर्स्ट क्लास दम करो इसको। ठीक है सर, चलो टाइट करो उसको, कपड़ा लो, ए कपड़ा दो रे, इसे दो, लो कब ले लो, ये कम नहीं है। चलो फिर दम पे रखो, हो गया सब, इसलिए मार रहे हैं चूल्हा पे रख दे, इधर मार दो बाकी चूल्हा पे रख दो, ले मैं चूल्हा में रख लो, उधर रखा है चूल्हा पे रखो ना, ले भैया ले रखे, ले रख क्या भैया, तासा का रोटी निकालो, इधर ही मार देता हूँ। नहीं जब रेडी हो गया सर बिरयानी है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वाओ क्या बिरयानी है, वाओ एक एक चावल बहुत खूबसूरत हुआ है सेफ से बिरयानी बनाने के लिए, सिर्फ आधा घंटा से कम लगा, सिर्फ कितना टाइम लगा सिर्फ बनाने के लिए, आधा घंटे लगे, फ्लेवर बहुत अच्छा है सिर्फ, अच्छा क्लियरिटी है सिर्फ, जैसे अभी हम लोग शीशा ग्रुप में चलाना चाहें तो कैसे चलेगा सर, शीशा ग्रुप। हाँ ये कौन सिर्फ ये जो बिरयानी है सिर्फ ये कौन सा मतलब वो फ्लेवर में आएगा सिर्फ इसका, ये एक्चुअली बिरयानी ये स्टाइल जो है वो रावत का है। हाँ और जो इसमें कोकोनट फ्लेवर जो दिया है वो साउथ का है, साउथ बहुत खूबसूरत हुआ सेफ बनाने के लिए, प्रोडक्ट रख दो,